ओके सबसे पहले तो औरा दीप्ति जी और विवेक जी आपका फीफा फूस टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू मच। आज जो हम जुड़े हैं इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। औरा एज अ किड, एक बच्ची जिसे ट्रेंड किया जा रहा है, लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि वो सब चाहते हैं कि औरा ही कंटिन्यू करे एज बॉन्डिता, बड़ी जो बड़ी बॉन्डिता है उसका भी कैरेक्टर, जो कि बहुत कम होता है, अक्सर नहीं हुआ करता। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि औरा आपको कैसा लग रहा है? मतलब मैंने जब ये सुना दैट कि पहली बार इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि फैंस ऐसा बोल रहे हैं दैट कि छोटी बच्ची ना बड़ा मतलब बड़े का रोल करे, तो मम्मी और मैं पापा सब इतने शॉक थे कि ऐसा इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है। और मम्मी इतने मतलब खुश क्योंकि 176 ट्वीट्स थे कि वी वांट ऑरा एज बॉन्डिता। और मैं तो मतलब मैंने जब देखा मैं ऐसी हो गई कि मम्मी मैं इतना मतलब इतना मैंने सक्सेस कर लिया। ओके आप क्या कहेंगी दीप्ति जी, एज अ मदर हाउ डू यू फील? देखिए स्टार्टिंग में जब लीप की आई बार तो हम लोग शॉक नहीं थे, रीजन बीइंग कि लीप तो लेना ही था सीरियल में, कभी ना कभी तो लेना था, तो हम लोग प्रिपेयर थे। लेकिन जो सडनली रिस्पॉन्स आया है पब्लिक का वो मतलब उसको बयान नहीं कर सकते कि इतनी खुशी, और बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब बेसिकली जो लोग मतलब अंदर से जो उनकी फीलिंग्स थी वो बाहर आई, कुछ लोग लाइव आए, और एक जगह और कुछ लोग तो मतलब 5 बजे तक नहीं सोए थे सुबह सुबह के, मैंने जिस दिन देखा ये जी। न्यूज रिलीज हुई है तो हमारे पास काफी मैसेजेस आने लग गए, डीएम आए और इंस्टाग्राम पर हो गया, और फिर लोग लाइव हुए तो लाइव में काफी सारे फैन पेजेस थे औरा के, तो वो लोग आपस में एक जैसे मुहिम चलाते हैं कि मतलब वो जस्ट प्लानिंग कर रहे थे, तो औरा ने उसको लाइव करके सुनने लग गई। और जैसे ही वो ज्वाइन हुई तो वो उसने जैसे अपने बारे में सुना कि लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं और बिल्कुल, तो उसके आंखों में एकदम आंसू, और कहती है मम्मा व्हाट इज दिस। मैंने कहा क्या हुआ? कहती मम्मा सब लोग एक मुहिम की तैयारी कर रहे हैं और ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, तो मतलब वेरी एक्साइटेड, और हम लोग बहुत खुश हुए। और लेकिन एक चीज मैं और कहूंगी कि जितना फैंस एक्साइटेड हैं उतना शायद ये भी शायद अपने फैंस से बहुत कनेक्ट होती है। बहुत सारे हैं, जैसे तमिल गर्ल्स हैं, एक हम लोग का पूरा एक गैंग्स में तमिल की तरफ से है, एक के काफी फैन पेजेस हैं, उनको मैं नाम एक मेंशन नहीं करूंगी सारे। तो वो सारे पेजेस पे जब हमने देखा कि वो लोग इतने ज्यादा मायूस हो गए हैं, कोई रो रहा है, कोई मेरे पास डीएम आ रहे हैं इतने सारे, तो रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिलेगा ये नहीं पता था। वी आर वेरी हैप्पी। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने फैन से बहुत कनेक्टेड है। जी एज अ फादर विवेक जी, जब आपको जी इसकी भनक लगी इस बात की, है ना, जी तो कैसा लगा? क्योंकि एज अ फादर आप बहुत कम ऐसा होता है कि डॉटर्स की तो ऑब्वियसली चीजें पूरी की जाती हैं, है ना, लेकिन जब एक ऐसी इंडस्ट्री से आपकी बच्ची जब छोटे से बहुत ही ऐसा कोई नाम बना लेती है, तो हाउ व्हाट वुड यू वांट टू से ऑन दैट? देखिए स्टार्ट से शुरू करूंगा। सबसे पहले इट वाज अ ड्रीम ऑफ दीप्ति एंड ऑरा। इनिशियली इट वाज अ ड्रीम ऑफ दीप्ति, एंड देन हमें पता नहीं चला कब ऑरा ने उसको अपना ड्रीम माना एंड स्टार्टेड द जर्नी। उसके ब्रेक से पहले जब उसको ये मिला था, उससे पहले की मेहनत सारी की सारी मेरे हिसाब से काफी बार डिस्कस हो चुका है। उसके बाद फिर ये सीरियल आया। इस सीरियल में लगभग 1-1.5 साल तक औरा ने जिस तरीके से ग्रो किया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सी हैज ग्रोन इन लीप्स एंड बाउंड्स, एंड दैट इज अ ह्यूज ह्यूज थिंग फॉर अस एज पेरेंट्स टू सी देयर चाइल्ड ग्रो इन दिस मैनर। व्हेन सी एंटर्ड इनटू द सीरियल सी वाज अ किड हु वाज वेरी क्यूट एंड एक्चुअली मस्ट हैव बीन आल्सो पैंड इनटू द सीरियल बिकॉज ऑफ द क्यूटनेस रादर देन एक्टिंग, बिकॉज शी हैजंट डन एनीथिंग बिफोर। लेकिन जैसे पहला लॉकडाउन आया मार्च 2020 में, एंड देन दीप्ति एंड ऑरा दे वर्कड ऑन हर एक्टिंग स्किल्स मोर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और उसके बाद व्हेन वी वेंट बैक टू शूटिंग फ्रॉम 6th of July द टेलीकास्ट अगेन स्टार्टेड, सी कीप
keeps us surprising every day with her acting skills and the growth she has shown as an individual, as an artist. वो एक बड़ा heartening fact है to see as a parent. Success देखिए इस समय जो Twitter का trend है, that's again very good to see that people are loving her so much. देखिए end of the day, you work hard as an actor or who, in whatever field you are. लेकिन अगर आपके काम को सराहा जाए और लोग उससे कनेक्ट होना शुरू करें, that is when you feel कि you are getting paid. Like I mean, this the love of the people, love of the fans, is the ultimate payment which you can receive. So वो देख के और अपने बच्चे को इस तरीके से ग्रो करते हुए देख के that we are looking up to her as an actor is an amazing, amazing thing. मेरे को याद है जैसे कि आपने कहा डे फर्स्ट डे था जो लॉन्च था बैरिस्टर बाबू का, मैं गई थी ऑरा से जब मैंने पहली बार बात किया था तो ऑरा चुप थी, बहुत कम बात कर रही थी, लेकिन जब मैंने इससे इंटरव्यू किया तो मैंने बोला कि मतलब क्या ड्रास्टिक चेंज आया इस बंदी में कि मतलब एंड शी हैज ग्रोन अप सो वेल एंड सो मैच्योर, मतलब छोटे से उम्र में शी हैज ग्रोन अप अ लॉट. ये बताइए कि जब ये जर्नी ऑरा का शुरू हुआ था, आई नो दूरदर्शन पे एक इंटरव्यू आया था दीप्ति जी आपका और ऑरा का, आप दोनों साथ आई थी और मैंने उस इंटरव्यू को देखा था और आपने बताया कि किस तरह से आपका तो खुद का सपना था लेकिन फिर आपने इसको अपनी बेटी का सपना बनाया, तो ये एक बहुत ही मुश्किल चीज तो है ही, जाहिर है कि हर कोई चाहता है कि उसको फेम मिले, उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसके काम को एक्नॉलेज किया जाए, लेकिन आपने अपनी बेटी को आगे बढ़ाया और इतना आगे बढ़ाया कि आज और इस मुकाम पे. मैं आपको आगे कुछ ट्वीट्स भी पढ़कर बताऊंगी. तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ जब आपने ये डिसाइड किया, तो विवेक जी आपका क्या स्टांस था इस पर, इस पूरे चीज पर कि हाँ ठीक है हम अब ऑरा को चाहते हैं कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाए, व्हाट वाज योर स्टांस इन दिस, एंड दीप्ति जी आपका क्या था और साथ ही ऑरा आपका क्या था, वन बाय वन. तो विवेक जी आपसे स्टार्ट करते हैं. इनिशियली देखिए दीप्ति ने काम किया था दूरदर्शन में लगभग 4 साल तक, सी वाज एन एंकर एंड प्रोडक्शन असिस्टेंट और एक लाइव शो, उत्तराखंड का पहला लाइव शो यही होस्ट कर रही थी उस समय, कल्याणी के नाम से जो शो आता था. तो वो सारा इसकी जर्नी थी. उसके बाद जब स्टार्ट हुआ और हम लोगों को इसके स्कूल से और आके स्कूल से फीडबैक आना शुरू हुआ एंड कि आप यू विल हैव टू वर्क ऑन हर बिकॉज सी हैज गॉट एन समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट, अ टैलेंट विच सी हैज गॉट. एंड उसको जो वहाँ स्कूल के प्ले थे उनके लिए लीड रोल के लिए सिलेक्ट किया जाने लगा, इवन बड़े ग्रुप के साथ में, बड़े बच्चों के साथ में. तो वो कुछ ग्लिम्सेस थे जो हम, जो दीप्ति ने नोटिस किए, उसके स्कूल टीचर्स ने, दे कॉल्ड अस इन पेरेंट मीटिंग्स एंड थिंग्स एंड दे सेड कि आपको इस पे ध्यान देना है. उसके बाद दीप्ति ने उसको क्लासिकल डांस के लिए ट्रेन करना स्टार्ट किया. ये सारी चीजें जब चलने लगी तो अच्छा लग रहा था उस समय सारी चीजें, बिकॉज बच्चा आपके साथ में है, स्कूलिंग है, सब कुछ चल रहा है. हम लोगों का जो बैकग्राउंड है दैट इज ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड एक्चुअली, मेरी फैमिली का, दीप्ति की फैमिली में ज्यादा पसंद किया जाता है एक्टिंग और इस तरह के शो बेज को. हमारे लिए ये भी एक बड़ा डिफिकल्ट था इसको कॉम्बिनेशन बैठाना, बट I've always believed in pursuing your own dreams. क्योंकि जिंदगी में जो लोग अपने सपनों को परसू नहीं कर पाते वो हमेशा परेशान रहते हैं, they don't live their lives completely. And I believe in that one should die empty. जो भी हो, सारे dreams हो, जो भी passions हो, उनको पूरा करके खाली मरना चाहिए, क्योंकि अगर भरे हुए मरेंगे ना तो वो मौत बड़ी आधी होती है, आपका contribution zero होता है उसके लिए. तो जब ये चलने लगा पहली बार कुल्फी कुमार बाजे वाला के लिए ये शॉर्टलिस्ट थी, हम आए वापस, बट सी वाज ओनली 6 इयर्स. मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं लगता, बच्चा छोटा है और आई नो कि फिर काम काम होता है वंस यू गेट इनटू थिंग्स, तो फिर शेड्यूल्स हैं, अब आपका मूड नहीं होता कि मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि आज मूड है तो नहीं करेंगे जी ऐसा. और तो मुझे लगा कि बच्चे का बचपन जाता है, तो वी डिलेड, हम लोग मुंबई आए पर लेट आए और तब तक वो फिर फाइनलाइज कर चुके थे. तो उसके बीच का जो 2 साल का जो टाइम था उसमें ऑरा एंड दीप्ति दे और आफ्टर मी लाइक कहते कि नहीं अब मुझे तो यही करना था. ऑरा इवन केप्ट टेलिंग मी कि नहीं मैं 12 घंटे की शिफ्ट भी कर लूंगी बिकॉज इट्स माय पैशन, लेट मी फॉलो इट. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार
लेटर लिव, आई मीन उसको उसके सपनों की उड़ान लेने देते हैं और देखते हैं फिर डेस्टिनी में क्या क्या लिखा है. एंड आई एम एन वैदिक एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो मैंने एक्चुअली आई मीन शायद आपको पता ना हो ये बात, ऑरा का टाइम भी, आई मीन सीजेरियन का एंड कॉर्ड कटिंग का टाइम भी डिसाइडेड था पहले मेरे से कि 11:20 पे होना है. तो डॉक्टर न्यू कि कितने बजे चाहिए, हमको ये टाइम चाहिए होता है हॉरोस्कोपिकली. तो आई वाज सीइंग कि वो बेसिकली किस तरीके से उसका ग्राफ जाना है और किस तरीके से उसमें एक्टिंग पोटेंशियल है, और वो उसको शो भी कर रही थी, जो उसके चार्ट जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी चार्ट शो कर रहे थे वही वो फिजिकली भी शो कर रही थी. तो देन आई गेव अप टू देयर विशेस एंड थिंग्स एंड आई सेड दैट यू परसू व्हाटएवर यू वांट टू डू. एंड और जब ये लोग आए पहली बार, आई मीन इट वाज अ सडन ऑडिशन, दे केम इन काफी समय से, लगभग एक साल से कास्टिंग चल रही थी बैरिस्टर बाबू के लिए. दे केम इन एक दिन पहले, हमें पता चला था 18th of December दे केम डाउन. तो उस समय हमारी छोटी वाली बेटी जो कोरल है, सी वाज ओनली आई थिंक 9 months ओल्ड, 9 महीने का बच्चा था. सी स्टेड विद मी और ओरा मदर के साथ यहाँ पे आ गई थी. एंड देन उसके इमीडिएट बाद इन लोगों को आउटडोर पे जाना पड़ा, क्योंकि जैसे ही सिलेक्शन हुआ फाइनल हुआ उसके बाद ये आउटडोर पे चले गए थे. तो अराउंड 2 months वी स्टेड अपार्ट एंड दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस व्हिच आई बीन विद द यंग चाइल्ड ऑफ 9 months. एंड एट द सेम टाइम दीप्ति वाज लाइक, आई मीन जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द सिस्टम, स्पेशली इमीडिएट आउटडोर्स के बाद में. So journey was very interesting initially, and now I can say it has been a fulfilling journey also. चलिए अच्छा लगा ये सुनकर कि मतलब आपने इनकी बात सुनी और आप चाहते थे कि जो भी ड्रीम है वो अपना फुलफिल करे. दीप्ति जी आपका इतनी सारी बातें सुन के ये तो जरूर समझ आया कि आपने बहुत मेहनत की है. तो जब मुझे हाँ. सेट पे यहाँ पर हीरोइन मेकर बुलाया जाता है नॉल सब मुझे यहाँ यही बुलाते हैं, इसलिए क्योंकि यही सारा रीजन रहा है, उनको और ज्यादा क्लोजली पता है हम लोग की जर्नी के बारे में. हाँ आप प्लीज कंटिन्यू करें. तो मैं वही बोल रही थी कि मतलब जब आपकी मेहनत जब रंग लाती है तो ऑब्वियसली खुशी होती है, बहुत खुशी होती है. लेकिन इस चीज को जब आपने शुरू किया तो मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस था, और अब जहां पे है ये पूरी जर्नी ऑरा की, इसमें क्या ग्राफिकली क्या चेंजेस आए और आपने कितना ज्यादा अच्छा फील किया, क्योंकि अच्छा तो आपने बहुत फील किया है. ये गॉड का ब्लेस रे जो बच्चा ऐसा है मेरा. लेकिन जब हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं क्लियर करूंगी कि हम बहुत ही छोटी जगह से हैं, जिस स्मॉल टाउन से हम देहरादून से हैं, वहां हमने मुंबई के बारे में सिर्फ सुना होता है. और जब एक सीरियल आया करता था वीर की अरदास वीरा, तो मैं बहुत सोचती थी कि ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं यार, मतलब इतने टैलेंटेड. और आई विश एक दिल में जगह थी, मतलब उस सीरियल को देख के, वो मेरे बहुत क्लोज रहा है सीरियल, तो मैं उसको देखती थी तब मेरे दिल में एक विश आता था कि मतलब ऐसा बच्चा होना चाहिए. मुझे नहीं पता था गॉड मेरी सुन लेगा और मेरे पास आ जाएगा. अच्छा जर्नी का ये था कि जब हम वहां से हमें जब यहाँ मुंबई आए हैं तो हमको यहाँ की लाइमलाइट और ये कितना महत्व रखता है, कितने टाइम का शूट होता है, बच्चा कितना पेन लेता है, ये सब हमें कुछ नहीं पता था. हम क्योंकि इस बैकग्राउंड से नहीं है, हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है, तो इसलिए मैं शायद फैंस से बहुत जल्दी कनेक्ट होती हूँ. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी किसी के फैंस रहे हैं और हैं आज की डेट में, तो हम लोग बहुत इजीली कनेक्ट होते हैं. जब वो मुझे एक छोटा सा भी गिफ्ट भेजते हैं तो मैं उसकी फोटो खींच के उनको रिटर्न करती हूँ. मुझे पता है वो उनके लिए उनका दिन बन गया है एक तरह से, तो हम लोग कहीं ना कहीं फैन से भी बहुत कनेक्टेड है. दूसरी बात, जब हम यहाँ आए और हमने ये चीजें देखी तो फिर जो मेरा सपना था वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा. और जब मैंने देखा रियलिटी कि बेसिकली जो आप मतलब आप बच्चा 12 घंटे बिल्कुल एक मजदूर की तरह काम कर रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो मैंने इसको क्लियर करा कि भाई देखो, हमने अब रियलिटी देख ली है, अब आप डिसाइड करो. ये मेरा ठीक है, मेरा ड्रीम है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई ऐसा ऐसा है, आप उसके लिए रेडी हो तो ठीक है, ऐसा नहीं है, दिस इज द कमिटमेंट. आज आपका मन है, आप कल कहते हो कि मेरा मन नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा. स्कूल की तो हम ऑफ करा सकते हैं, इसका हम नहीं करा सकते. फिर ये सब डिसाइड करके हम लोगों ने एक बार डिसाइड किया था कि हम नहीं करेंगे और हम वापस आ गए थे देहरादून. फिर देन इसका जो दिल और दिमाग था वो कहीं ना कहीं मुंबई में बस गया था.
मतलब ये हमेशा यही कहती थी गॉड से कि बस मुझको ना मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है। अब इतने से बच्चे में ये पैशन देख के मुझे, मेरे पास जब ऑडिशंस आने लग गए, मैं इसको घर में देती थी, ये फटाफट स्क्रिप्ट करके मुझे करके देती थी, फिर थोड़ा सा मैंने भी इसको पॉलिश करना शुरू करा। तो 6 to 8 years तो इसी में लग गए, इसके 2-3 साल पॉलिश करने में। और लेकिन उसके बाद अगर हमने इसको हर चीज के लिए प्रिपेयर करा हुआ था, हमने बता दिया था इतने घंटे शूट होता है, आपको उस समय पढ़ाई का भी लॉस है, आपको इतना घंटा पढ़ाई को भी देना पड़ेगा, सारी चीजें मैनेज करने पड़ेंगी, आप ये बैलेंस करने को तैयार हो तो हाँ करना, हमने इसे फोर्स नहीं करा। उसका हमें ये प्लस पॉइंट हुआ कि जब शूट स्टार्ट हुआ सब हुआ, तो अगर कुछ भी होता था तो ये रेडी होती। कभी कभी आउटडोर पे तो बहुत ही लंबे शूट्स हो जाते हैं, क्योंकि आउटडोर में बहुत सारी चीजें होती हैं, हवा भी देखनी है, उन लोगों को लाइट का भी देखना है, तो बहुत सारी चीजें होती है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसको आइडिया था, ये प्रिपेयर थी, तो सारी चीजें इसलिए बैलेंस में होती चली गई। रही बात खुशी की, तो मैं सही कहूँ कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़े हैं, मतलब लॉकडाउन से पहले की जर्नी, लॉकडाउन के बाद की जर्नी, और अब जो जर्नी है। इनफैक्ट अभी जो फैंस का रिस्पॉन्स है, ये बेसिकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सक्सेस देख रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। जो हम लोग को इतने पब्लिक से प्यार मिला है, इनफैक्ट एज अ मदर, मतलब बॉन्दिता की मदर होके भी मुझको इतना प्यार मिल रहा है, इतने सारे डीएम और मैसेजेस, इतने फैन पेजेस हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और आप क्या कहना चाहेंगी आपके बारे में, आपके पैशन के बारे में? हमें इतने डिटेलिंग में नहीं पता था कि आप चाहती थी कि आप 12-12 घंटे कॉम्प्रोमाइज करके काम करना इतने छोटे से उम्र में, और नाउ फाइनली दैट यू हैव अचीव्ड, आई थिंक समवट यू हैव अचीव्ड, आई थिंक अभी भी आपके सपने और भी बहुत ज्यादा बड़े हैं और आप और भी ज्यादा कामयाब होंगे। लेकिन जिस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं कि वी वॉन्ट Aura as Bondita, like grown up Bondita, what would you say on that? मतलब जो अभी मैंने ये सब बातें सुनी, तो मुझे सब कुछ अपना पुराना टाइम याद आने लगा कि अच्छा ये सब हुआ था मेरे साथ। अभी जब मैं अभी फैंस के जो मैसेजेस आ रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में आती नहीं, तो फिर मैं इतना प्यार, इतना सपोर्ट मैं नहीं, मतलब नहीं ले पाती मैं अभी। मतलब ऐसा जब मैं पहले इंडस्ट्री में नहीं आई थी, तो मेरा ये था कि सब ना कि जब भी मैं मतलब कहीं रास्ते से जाऊं, कहीं जाऊं मैं, तो फिर सब बोले अरे ये और है, ये और है, हाय हाय क्या हो रहा है। तो मुझे ये, मेरा ये चलता था दिमाग। तो मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं देखिए फेम का मजा तो है ही, कोई आपको पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, अच्छा लगता है, कोई फोटो के लिए बोलता है। तो शुरू में जब एक आध लोग करते थे तो उसको लगता था कि मतलब ये जर्नी अब स्टार्ट हुई है, अब तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है उसको, क्योंकि अब लोग पहचानने लगे। और अब ये वाला जो रिस्पॉन्स आया है, जो ये ट्रेंडिंग का चल रहा है आजकल, तो ये तो हमारे लिए भी सरप्राइज था, हमें नहीं पता था इतना प्यार बांग्लादेश, पाकिस्तान, तमिल से, तमिलनाडु से, मतलब हर जगह से इतना प्यार मिल रहा है, इतने मैसेजेस और डीएम आ रहे हैं ना, मतलब वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। फॉर हम इस और एज अ बॉन्दिता रहे या ना रहे, मैं इस इंटरव्यू के थ्रू ये बात बोलना चाहूंगी कि बेसिकली सारे फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को इतना प्यार दे रहे हैं, और लेट्स सी आगे क्या होता है। तो कुछ ट्वीट्स अगर मैं बोलूं तो मैं आपको पढ़कर सुना दूं जल्दी जल्दी, ताकि बहुत जैसे और आपने कहा कि लोग सुबह 5 बजे तक जगे रहे, तो जब आप ट्रेंड करते हो तो आप ये नहीं देखते कि 5 बज रहे हैं कि सुबह के 4 बज रहे हैं, उनके अंदर बस ये जज्बा होता है, उनके अंदर बस ये जज्बा होता है कि हमें ऑरा ही चाहिए, बड़ी ऑरा चाहिए, और बॉन्दिता मतलब वही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। तो डू नॉट बी अ स्टॉपेबल पर्सन, बी एन अनस्टॉपेबल वन। What do you say, guys? You okay now? We have to bring this trend on the first position. So why are we waiting for? Keep trending. इस तरह के बहुत सारे ऐसे messages हैं. These two are soul. Anidita is not just a name. It's our emotions. How? Because the bonding they share with each other, that is incredible, marvelous. Just because of their natural acting, each and every scene seems real, and we can also feel their pain.
ये वो फोटो है जिसके साथ इसको शेयर किया गया है. तो बहुत सारे ऐसे हैं ट्वीट्स. और अगर आप जानती हो कनिका मान को, डू यू नो कनिका मान? अभी जब मैंने देखा गुड्डन, तो फिर तब मैंने उनसे देखा, उनको बारे में जाना. हाँ, उनके बारे में जाना मैंने. अभी उन्होंने गुड्डन ना हो पाएगा ये सब. हाँ जी जी जी. तो आप क्या चाहती हैं अगर और आपसे पूछा जाए कि कहीं ना कहीं अब आपकी शायद बैरिस्टर बाबू की जर्नी खत्म हो, आप क्या चाहती हैं कि बड़ी बॉन्डता आप प्ले करें ना करें? देखिए, नहीं प्ले करना तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इतनी छोटी हैं, वो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल बस यही होगा कि आफ्टर फ्यू इयर्स जब वापस से बैरिस्टर बाबू आए, जब आप एकदम ग्रोन अप हो जाओ, तो आपके मन की क्या ख्वाहिश है कि क्या होना चाहिए? आप क्या चाहती हैं एट प्रेजेंट? मैं दोनों चीजों में कंफर्टेबल हूँ. मतलब एक ना कोई एक चैप्टर खत्म होता है या शुरू भी होता है. मतलब अभी मेरा एक रास्ता खत्म हुआ तो दूसरा रास्ता खुलेगा, दूसरा रास्ता खत्म हुआ तो तीसरा रास्ता खुलेगा. मतलब ऐसे ऐसे मतलब चैप्टर्स नहीं होते कि हाँ एक चैप्टर हो गया, दूसरे चैप्टर पे जाना है, तीसरे चैप्टर पे जाना है. तो मैं दोनों चीजों में कंफर्टेबल हूँ. अगर फैंस का इतना ज्यादा ट्रेंड होगा ये सब चीजें, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मैं काम करूँ इस सीरियल में. और अगर सब अभी ये ट्रेंड नहीं हुआ तो चैनल ने डिसाइड नहीं और चैनल चाह रहा है दैट खाली पाए, तो फिर मैं कंफर्टेबल है. लेकिन इस जर्नी के खत्म होने पे कहीं ना कहीं दुख होगा. मतलब होगा कि इतना सब बॉन्ड था, अभी है, अभी होगा. अभी हम लोग मिल नहीं पाएंगे क्योंकि सब बिजी होंगे अलग अलग कामों में, पर हाँ थोड़ा सा दुख तो होगा ही, जाहिर है. लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि आप जिस जहां भी अभी आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी मिलेगा, जब भी मिले, लोग आपको इसी तरह से प्यार करेंगे क्योंकि आप जो हैं आपने वो पोर्ट्रे किया है, राइट? आपने दिल से उस कैरेक्टर को प्ले किया है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. दीप्ति जी, विवेक जी एंड ऑरा, वी हैव अ क्विक गेम विथ यू गाइज, क्विक सेगमेंट है ना. हम ये देखना चाहेंगे कि कौन किसे कितने बेहतर तरीके से जानता है. ओके ओके. तो दिस इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन फादर, मदर एंड द डॉटर. आर यू गाइज रेडी फॉर इट? यप यप रेडी. ओके, हु नोज बेटर? ओके, सबसे पहले विवेक जी आंसर करेंगे, फिर दीप्ति जी और फिर ऑरा, ठीक है? कौन किसको बेहतर जानता है, ठीक है? ओके, विवेक जी, ऑरा को, ऑरा का फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड पिज़्ज़ा. दीप्ति जी, ऑरा का फेवरेट फूड? कढ़ाई पनीर एंड नान. ओके ओके, सो ऑरा, व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट? पता था कि और आप बोथ ही बोलेगी. गुड गुड डिसीजन. ये दोनों चीजें बहुत क्लोज है इसके लिए, तो डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश. तो अच्छा हुआ ना, एक ने पिज्जा बोल दिया और दूसरे ने कढ़ाई पनीर बोल दिया भाई, और नान बोल दिया, दोनों ही हो गया. अच्छा, और अब आप बताइए कि मम्मी पापा का फेवरेट फूड क्या है? और आप बताइए क्या है मम्मी पापा का फेवरेट फूड? हाँ, छुपो नहीं. पापा का कढ़ाई पनीर और नान. ओके, मम्मी का मम्मी के साथ ज्यादा रहती हो तुम, राइट? सबसे ज्यादा मम्मी क्या खाती हैं? नहीं नहीं पता है मुझे. हाँ, कड़ी एंड
कॉन्शियस हूँ, बेचारी लिस्ट नहीं बता पा रही है. मैं पास करता हूँ. पास्ता. मम्मी डाइट कॉन्शियस है ये तो याद रखो. खैर क्या है आपका फेवरेट? कोई हिंट देना चाहेंगे औरा को? हिंट देना चाहेंगे आप औरा को? ओके चलो फाइनली. ओके ओके. औरा का फेवरेट कलर दीप्ति जी? कलर तो नहीं पता होगा. पिंक. पहले आंसर नहीं दे दो. ओके आपको क्या लगता है विवेक जी फेवरेट कलर कौन सा है औरा का? लड़कियों का तो वैसे ही मारपीट के पिंक बना दिया जाता है तो इस मामले में पढ़ना नहीं चाहिए. लेकिन मेरा कहना ये और कलर्स भी देख सकते हैं. देयर इज आई मीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेथोरा ऑफ कलर्स अपार्ट फ्रॉम पिंक. तो आई मीन यू कैन इवन गो फॉर रेड. और आई मीन रेड इज अ अमेजिंग कलर. शायद आप सबको पता भी हो कि रेड इज द ओनली कलर विच हैज गॉट 98 शेड्स. So I would definitely love red to be one's favorite color so that you can, one can have so many shades around, even of the same color. Okay. Aura, what's your favorite color? Now be honest. Huh? What's your favorite color? Be honest. Yeah. Red. Red color. Right. Orange, blue, and not pink. I don't like pink. Okay. Pink. जैसे पापा ने बताया. विवेक जी औरा का फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर रणवीर सिंह. एंड दीप्ति जी? एंड दीप्ति जी रणवीर सिंह. और वो भी पूछेंगे. ठीक है एक्टर. हाँ दोनों ने करेक्ट. ओके ओके दीप्ति जी एक्टर फेवरेट और की दीपिका पादुकोण. ओके विवेक जी दीपिका पादुकोण है वैसे, लेकिन अभी आजकल रिसेंटली मुझे लगता है कि ये खुद अपने आप को पसंद करने लगी है तो okay. Aura, what's your answer? Dono. Right? okay. Kuch Aura ki question. Okay. Aura ki favorite movie, Vivek ji? That's a tricky question. So many. Aur kaafi sari cheeze change bhi ho rahi hai lagatar. Because now she is growing up. So she's... No cheating. क्या थी फाइंडिंग नेमो? नहीं अब हाँ वो तो अब वही मैं कह रहा हूँ. आई मीन सी इज ग्रोइंग सो सी इज चेंजिंग अ लॉट. अभी कौन सी होगी? लेट्स मेक अ न्यू फेवरेट. भूल भुलैया बना देते हैं. ये किसी को नहीं पता कि ये बहुत डरपोक है. कोई बात नहीं और विद टाइम आप उस फियर को भी ओवरकम कर लोगे राइट. Let's see. अच्छा okay. मैं final answers बताती हूँ. Movie का? हाँ. बदला. तब से बोलती आ रही हूँ मैं सारे interview. Right.
वो एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट थी। मुझे मिस्टीरियस मूवीज पसंद है, मतलब कज़ा, परदानी 2, बकूनी टाइप्स वैसा। ओके, औरा का फेवरेट शो कौन सा है दीप्ति जी? फेवरेट शो, टीवी शो देखती हो नहीं देखती हो? ये मैन वर्सेस वाइल्ड डिस्कवरी पे देखती हूँ, ये शोज नहीं देखती है। ये अजीब अजीब डिस्कवरी पे प्रोग्राम्स देखती है। ओके, और आपका फेवरेट सॉन्ग विवेक जी? अरे नहीं, फेवरेट सॉन्ग क्या जी? फेवरेट सॉन्ग इट यूज्ड टू बी सेनोरिटा बिफोर, लेकिन आजकल कोरियंस का भूत सवार हो रखा है बहुत सारा, तो आई डोंट नो, ट्रांसपोर्टेड इनटू कोरियन म्यूजिक। ओके अच्छा, चलो पापा बैंड तो बनाओ, बैंड तो बताओ क्या चीज बैंड, बैंड का क्या? आई डोंट नो बेटा, आई एम नॉट इनटू कोरियन म्यूजिक एक्चुअली। ओके दीप्ति जी, बीटीएस? बीटीएस हां, तुम्हारा? ओके मेरा फेवरेट कोरियन एक्टर है ली मिनहो। तुम जानते हो ली मिनहो को? लोगों को अब हर चीज पसंद आने लगी है, हर तरह का म्यूजिक सुनने लगे हैं, हर तरह की मूवीज स्क्रिप्ट सबका अलग अलग होता है, तो वो चीज है। मैं आई थिंक मुझे लगता है OTT आने के बाद से आई थिंक एक्सपोजर भी बढ़ा है, आई मीन देयर बहुत, हां, नो वंडर, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। यस, सो फाइनली वी हैव कम टू एन एंड। और ये बताओ कि तुमको क्या लगता है, तुमको ज्यादा बेहतर कौन जानता है, मम्मी या पापा, कौन जानता है बेहतर, जल्दी बताओ। अब बोलो बोथ। नहीं मतलब पुलिस मान सकते, हाँ कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई नहीं बुरा मानेगा, कौन से पढ़ने? अच्छा ऐसे पिटाई तुम्हारी बहुत होती है जैसे। अच्छा ठीक है, अभी तो गेम में तो पता ही नहीं चला कौन कौन आपसे कौन सबसे ज्यादा करीब है। करीब दोनों है, वो तो पहले ही बता रहे थे ना आंसर। बताऊंगी इसके, क्योंकि पापा को ये चीज पता है कि हम लोग हर रेस्टोरेंट में जाकर कढ़ाई पनीर खाते हैं दोनों। कढ़ाई पनीर देखो ऐसा होता है, सारी चीजें ना घूम फिर के आके कढ़ाई पनीर पे आके रुक गई हैं। मम्मी का ये होता है कि तुम लोग हर रेस्टोरेंट में जाकर कढ़ाई पनीर और नान ही खाते थे, ठीक है, हेल्दी फूड खाओ, मम्मी डांटती है इसलिए, हाँ पापा बचा लेते हैं। और फिर हम लोग पापा के साथ मैं ज्यादा मूवी देखती हूँ, क्योंकि मम्मी टीवी को बोलती है इडियट बॉक्स। डोंट से यू आर वर्किंग ऑन टीवी, डोंट से। बट डोंट वरी, आई एडिट इट, डोंट वरी। मूवीज जो भी मतलब डरावनी इनको लगती है, हॉरर टाइप जिसमें मॉन्स्टर होते हैं, बेसिकली मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ और मेरे को लगता है हर चीज का टाइम होता है, तो अब टाइम पर सारी चीजें करो, पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, मतलब मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, तो वो कह रही है मैं पापा के वहाँ कवर अप कर लेते हैं, तो मुझे पापा ज्यादा पसंद है। इंटरेस्टिंग बात ये थी, आपने क्वेश्चन पूछा किसके ज्यादा करीब है, तो ये बात सच है कि मतलब ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है, वो आंसर बिल्कुल सही बोल रही है कि ये दोनों के ही बहुत करीब है, मूव्स पे ले आना। क्योंकि जब हम लोग ऑडिशन के लिए हम मुंबई आते थे, तो इसका ये रहता था कि जब हम तीनों आते थे
कहती थी मम्मा क्या एंजॉय करते हैं ना पापा, उनके साथ क्या मजा आता है स्क्रिप्ट पे आना। मतलब हम तो ऑडिशन देने आ रहे हैं, हमारा फोकस ऑडिशन देना होता था, सुबह जाना शाम को आना, तीन चार जगह जाना सारे प्रोडक्शन हाउसेस में, मैं शाम तक टायर्ड हो जाती थी। लेकिन ये जब पापा के साथ आती थी तो फिर ये बहुत एंजॉय करती थी, क्योंकि ऑडिशन के बाद होती थी इनकी शुरू पार्टी। तो फिर अब जो है वो यहाँ जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो वहां लेके जा रहे हैं, मतलब ये ऐसा लगता था मुंबई ना मस्ती और तफरी करने आए। ये लिटरली ब्लैकमेल करती थी, अगर मुझे आप ऑडिशन के बाद अगर लिस्ट अगर ये पूरी होगी तब मैं अच्छा ऑडिशन देंगे, मुझे नहीं पता। मेरे को याद है जब मेरी ऑरा से लास्ट मेरी जो मैंने इसका इंटरव्यू किया था, मुझे पूरी कहानी वो याद है जो ऑरा ने बताया था कि किस तरह से विवेक जी अचानक से पहुंचे थे सेट पे और ऑरा बहुत खुश हो गई थी। बहुत प्यारा मोमेंट था, यस बहुत प्यारा मोमेंट था। इसे पूरा मुझे डिस्क्राइब किया था कि कैसे आप आए और क्या रिएक्शन था आपने जब आके पूछा कि ऑरा, तो फिर दीप्ति जी ने आपको देखा, फिर ऑरा आई एंड हाउ द एंटायर, और जिस चहक से इसने बताया था उससे ये समझ आ रहा था कि मतलब हाउ क्लोज शी इज एंड द वे शी मिसेज हर फादर एंड हर यंगर सिस्टर, राइट। और सेम सिचुएशन अभी फिर हो रखी है, हम डेली शूट से आने के बाद वीडियो कॉल करते हैं और 5 मिनट बात करने के बाद हम दोनों रोते हैं एक दूसरे को देख के, क्योंकि नहीं देखा जाता, मतलब वो दोनों वहां हैं हम यहाँ हैं, तो वही बुरी हालत है कि अभी देखो इनके आंखों भर आई है इतनी देर में। इट्स वेरी इमोशनल, और मैं तो बेटी को देख ही नहीं पाती हूँ, मैं जैसे ही उसको देखती हूँ मैं रोने लग जाती हूँ। तो बहुत वेट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, तड़प रहे हैं बेसिकली। अरे मिले थे पापा फिर से सरप्राइज देंगे तो वो सीन दोबारा से क्रिएट हो जाए। कोरल विवेक जी के साथ है, राइट? जी कितना ज्यादा मिस करती हो ऑरा कोरल को, कितना मिस करती हो? बहुत 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 ज्यादा, स्पेशली तो उसके बाल खींचने वाली आदत। शैतानी करती है इसके साथ और पूरा कब्जा करके रखती है, सारे काम भी कर देती है, दीदी को पता ही नहीं लगता कि वो उसको टीज कर रही है। विवेक जी आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि मतलब आप दीप्ति जी से भी दूर हैं, ऑरा से भी दूर हैं, पर ये पूरा एक जो सिलसिला है जिस तरह से आप लोग अलग रहते हैं, बट यू नो कहीं ना कहीं ये काम है, ऑब्वियसली एवरीवन हैज टू बी वेयर दे बिलोंग टू, और मतलब जहां काम है आपको वहां रहना पड़ता है, तो मतलब किस तरह से आप अपने आप को यू नो स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि आप दीप्ति जी से भी दूर रहते हैं, ऑरा भी दूर रहती है, तो कहीं ना कहीं फासले। जी जी दीप्ति जी आप कुछ बोल रही थी इसमें एक चीज। हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हम दूर रहते हैं, बेसिकली ये हम लोग मुंबई थे, सभी लोग थे, फैमिली थी, पूरा कुछ था। अभी जो स्टिल अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है इसमें हम दूर रह रहे हैं, वो मजबूरी में रहना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग इस समय राजकोट में है और वो इस समय मुंबई में है, तो बस अब लग रहा है कि शायद 1 मंथ का ही टाइम था, अभी जून और एक्सटेंड हो गया है तो ये वाला टाइम ऐसा चल रहा है, तो अदरवाइज जनरली हम रह ही नहीं पाते। विवेक जी आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है, कितना ज्यादा आप जस्ट यू नो कोरल तो है ही साथ में लेकिन कितना मिस करते हैं? देखिए इनिशियली मेरे साथ दो तीन चीजें हैं, मैं योग सिखाता रहा हूँ लगभग 20 साल से, एंड मैं इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा था अपने सेमिनार्स के लिए योग और आयुर्वेद पे, जो मेरे स्पेशलाइज सेमिनार्स थे, प्रोग्राम्स थे, स्पेशली जो थेरेपेटिक योगा के लेसन्स हैं वो उसके लिए। तो मैं अकेले रहने का आदी हूँ पहले से, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट जब से मैं दीप्ति से मिला हूँ आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि लाइफ में अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ लव यू शुडंट बी टुगेदर, देयर हैज टू बी लव व्हिच इज beyond words and beyond physical realm, that is when you feel the presence of other person, which is we call it mind body and soul, jo yoga ka bhi basic hai. To jab hum log mile aur ye sari cheeze ye journey start hui to maine apna travel band kar diya because we wanted to be together, apne seminars wagera wo wahan pe sacrifice kiya, Deepti and we both came together,
we have been business partners initially and then we became life partners. उसमें भी खतरा था मुझे, तो मैंने कहा चलो लाइफ पार्टनर बन जाते हैं. रीजन बीइंग कि इन्होंने अपने फादर को अकाउंट ऑफिसर बना दिया था, तो मुझे लगा मैंने कहा भैया अकाउंट से घपने की गुंजाइश है. तो मैंने कहा थोड़ा इसको चेंज किया जाए स्टेटस को, प्रॉफिट शेयरिंग की बजाय एक्युमुलेटेड प्रॉफिट बनाते हैं. तो ये सारी चीजें भी. अब ये एक्चुअली पहला इंसिडेंट था जब सबसे पहले जब ऑरा ऑडिशंस के लिए आई थी और उनका जो आउटडोर स्टार्ट हुआ था गणेश बाबू के लिए, दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट वी स्टेड अवे. उससे पहले मेरे हिसाब से शायद एक या दो दिन भी नहीं रहे होंगे कभी, कि हम ऐसे अलग रहे होंगे. तो बट आई मीन हम लोग मतलब कभी कभी शादी के 11 साल के बाद ही ऑरा की वजह से मतलब हम इतना डिस्टेंस हुए. अदरवाइज मेरा मैका ससुराल सब एक ही जगह है, तो हम लोग वैसे भी दूर नहीं रहते. We have been so much into each other actually because hum business partners hain, so I mean we are together there. Iske alawa ghar mein we are together there. Jahan bhi hum ja rahe hain, even like I mean almost every common friends, all things are so into each other ki hame ye pata hi nahi tha ki what is it being apart. To mujhe lagta hai ki jo pehla incident tha wo difficult tha but mazedar bhi tha is sense mein ki that is when you really understand कि कभी कभी दूरियां आपको इतना कुछ रियलाइज कराती हैं, क्योंकि 10-12 साल के लाइफ में कुछ कुछ चीजें आप मिस करने लगते हो जो आपको लगता है कि जैसे 11 साल के आप मिस यू और लव यू के मैसेजेस कम कर देते हो, तो जब आप दूर रहते हो ना तो वो सडनली स्टार्ट हो जाते हैं, दे स्टार्ट अगेन, है ना. एंड एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू रीलिव द रोमांस ऑफ प्री मैरिटल टाइम एक्चुअली. तो वो कह सकते हैं आप. एंड देखिए मैं तो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ और जानता हूँ कि दूरियां जो फिजिकल दूरियां हैं वो कभी भी सोल के लेवल पर दूरियों को इक्वेट नहीं करती. दे आर डिफरेंट एट द सोल लेवल. वी ऑल फोर आर टुगेदर इन टू ईच अदर सो क्लोज बाउंडेड. एंड फिजिकल दूरियां आज है कल नहीं रहेंगी. एंड मजा है. हाँ यहाँ पर यह है कि अब मैं कोरल के साथ हूँ. कोरल इज ग्रोन अप लाइक आई मीन टू एंड टू इयर्स थ्री मंथ्स ओल्ड. सी हैज बिकम वेरी नॉटी. सो इट्स अ गुड एनफ टाइम. आई हैव लर्न्ड कुकिंग. सो आई एम प्रिपेयरिंग ऑल टू मील्स फॉर माई सेल्फ एंड फॉर हर ऑल्सो. सो इट्स फन दैट आई एम लर्निंग समथिंग न्यू बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू गोइंग टू किचन्स बिफोर मैरिज और बिफोर मीटिंग दीप्ति. So I mean, but there are lots of new things which I'm learning and which is like, so I'm adding into my portfolio. There are a few new things. Yeah. So, ये है. और बाकी हाँ. Yeah. Continue. तो वो कहते हैं कि मतलब दूरियाँ जब नजदीकियाँ बन जाएँ, तो that is what life is and that is what love is. So मुझे लगता है कि I mean we are becoming or getting closer when we see these distances in our life. और आपको क्या लगता है कि मम्मी ज्यादा पापा से प्यार करती है या पापा ज्यादा मम्मी से प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से. मुझसे ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि जब भी मैं पापा और मम्मा कुछ ऐसी बातें करते तो मैं ये अच्छा आपसे ज्यादा प्यार कौन करता है, पापा या मम्मी? तो बड़ा डिफिकल्ट है. लेकिन वो मेरा ज्यादा है. मतलब मैं डांट पहले तो मैं बताऊं, इसीलिए पापा मतलब जब भी मुझे तो दोनों पसंद है, क्योंकि जब भी ना पापा मुझे कवर अप कर लेते जब मम्मी डांटती है, और मम्मी डांटते तो पापा कवर अप कर लेते. मम्मी पापा डांटते हैं, ये हमारे यहाँ बड़ा बैलेंस है. ये बहुत अच्छा बैलेंस है. तो वो मेरी छोटी वाली को भी आइडिया लग गया है कि जैसे ही अगर मुझसे उसको पता लगा कि मम्मी शुरू हो रही है डांट रही है, तो वो पापा के पास छिप जाती है जाके. तो वहां से जब ये डांटते हैं तो वो मेरे पास आ जाती है. तो हमारे बच्चे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं आपस में. ओके और ये बताओ कि मम्मी पापा ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं या कोरल से? दोनों को प्यार करते हैं. ऐसा नहीं कि एक पापा से चिपकी हुई है, एक मम्मा से चिपकी हुई है, या फिर दोनों ही कोरल को प्यार कर रहे हैं छोटी वाली को, या फिर
जैसे कि कोई कॉल हो रहा है, ऐसा नहीं है मतलब हम दोनों मम्मी कोरल है विवेक जी हाँ जी कोरल है अच्छा हाय 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 बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल अच्छा अच्छा कम यहाँ पे देखो दीदी से मिलवाऊंगा दीदी से मिलेंगे ना आओ मेरे पास यहाँ पे आ जाओ आप यहाँ पे बैठने आओ ना इसको अपने पास ही रख लो आप मेरे पास आ जाओ कोरियन Love you. उसे एक्चुअली ना किसी की वॉइस नहीं आ रही है बिकॉज मैं उस पे हूँ अच्छा ओके हेडफोन रुको मैं फिर उसको हाँ थोड़ा सा उसको ये कर दीजिए तुम लोगों को वापस से पूरा अब जा रही होगी शायद बहुत क्यूट है दीदी दीदी कहाँ है दीदी बंदिता कहाँ है बंदिता ओ बंदिता सो गया बंदिता सो गया अच्छा अच्छा और दीदी कहाँ है और दीदी कहाँ है कोरो बंदिता गुस्सा कैसे होती है मैं गुच्छा हूँ कोरो गुच्छा हूँ बंदिता कैसे गुस्सा होती है कैसे गुच्छा होती है बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग आउट इन द अच्छा देखो बटरफ्लाई बोलते दीदी के साथ करो बटरफ्लाई बटरफ्लाई Where are you going? Out in the garden. और मामा से टांग के देखो। ओए, क्या कर दिया तुमने? टांग दिखा दी आपको? टांग दिखा दिया। टांग दिखा दिया। टांग क्यों दिखाया? ऐसे कोरू को बुरा लगा, टांग दिखा दिया। अच्छा ठीक है। कोरू मैं गुस्सा हूँ। मैं गुस्सा हूँ। वंदिता गुस्सा है। कोरू का पूरा ध्यान फेवी कॉल में है अरे उसको तो ख्याल आपका बहुत टाइम ले रहे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आपको आइडिया नहीं है कि मतलब मेरे को कितनी खुशी हो रही है
और एक्चुअली मुझे जब ये आई होप कि मैं ये अपलोड कर पाऊँ क्योंकि ये बहुत अच्छा एक केमिस्ट्री लोगों को दिखेगा, बहुत अच्छा कंटेंट है ये, तो आई एम रियली ग्रेटफुल सीरियसली. और जिस तरह से आप दोनों ने अभी उसको एंटरटेन किया है और बटरफ्लाई उसने भी गाया है तो बहुत ही अच्छा लगा. वेल गाइज, आई थिंक मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम ले लिया. जाते जाते क्या कहना चाहेंगे फैंस को, और आप क्या कहना चाहेंगी, दीप्ति जी आप क्या कहना चाहेंगी? पहले आप बताओ. इतना आपको प्यार मिल रहा है, मुझे मारना नहीं, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, प्यार करते रहिए मुझे. थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, स्पेशली तमिल गर्ल्स को और सारे लोगों को जो भी मेरे फैंस हैं, मतलब मैं सबका नाम मेंशन नहीं करूंगी, जो सब मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव. और मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जो जो फैंस जितनी जितनी शिद्दत के साथ इस मुहिम को चला रहे हैं, वो हमारे लिए, मतलब हमें उसके लिए शब्द नहीं ला सकती, स्पीचलेस है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये इस तरह से लीप की अगर खबर आएगी तो इस तरह से लोग आएंगे और बात होगी और इतना अच्छा ट्रेंड चल रहा है जो इस पे लोग कर, मतलब इतने सारे डीएम से इंस्टा ये सब चल रहा है, ये हमारे लिए एक्सेप्ट, मतलब हमारे लिए बियॉन्ड था, हमने सोचा ही नहीं था, तो बहुत बड़ा सरप्राइज है ये हमारे लिए. और जितना लोगों का प्यार हमारे लिए है, उतना हम भी उतने ही फैन से प्यार करते हैं. इनफैक्ट लोगों के पास टाइम नहीं होता ये देखने का कि कितने फैन पेजेस हैं, क्या है, लेकिन वी नो एवरीथिंग. हम एक एक फैन पेज को फॉलो करते हैं, सीक्रेट अकाउंट से भी देखते हैं कि कैसे क्या फैंस फैंस के बीच में बात हो रही है. तो एक वो जो जर्नी है ना, वो अलग मजा देती है, मतलब जानने में बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है. मेरे पास पाकिस्तान से इतनी सारी मेल आई हुई है, एक छोटी सी बच्ची है, उसने मेरे को मतलब वीडियो बना के भेजा, वो कहती है कि मैं ओरा को, इसलिए मैंने ओरा के नाम पे गाड़ी खरीदी है, और वो उसने गाड़ी में से वीडियो बना के मुझे भेजा अपनी मदर के साथ, और वो लिटरली बात करते करते वो रोने लग गई. तो मैं उस वीडियो को मैं इंस्टा पे नहीं मतलब अपलोड कर पाई हूँ, डेफिनेटली मैं करूंगी. तो ऐसे भी फैंस हैं, मतलब इतनी खुशी होती है देख के. तो उसका यही कहना था कि आंटी ये वीडियो आप औरा को जरूर दिखाइएगा. औरा ने उसको देखा, बहुत इमोशनल हो गई, शी इज अराउंड आई थिंक 6 ईयर गर्ल थी वो, प्यारी सी बच्ची. तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, लिटरली दिल से बहुत खुशी होती है. और थैंक यू सो मच एवरीथिंग की जो फैंस, और आपका ये इंटरव्यू के लिए भी मैं थैंक्स कहूंगी, क्योंकि ये ऐसा टाइम था, इस टाइम पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें भी सोचना पड़ा कि हम आए या ना आए, लेकिन फिर हमें लगा कि आना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह से फैंस हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं, तो एक हमारी तरफ से भी एक मैसेज उनको जाना चाहिए, स्पेशली ऑरा के लिए, कि वो भी जब फैंस को देखती है तो वो भी इमोशनल हो जाती है, वो भी इतना ही प्यार करती है. थैंक यू शायद. और ऑरा को तो ऐसे भी सब सब बहुत प्यार करता है, हर कोई. इनफैक्ट जो मेरे एडिटर्स हैं अभी, जो लगातार अपना काम छोड़ के वो इस इंटरव्यू को ही सुन रहे हैं, और वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं. मेरे को मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मतलब ये इतनी प्यारी है और कितने अच्छे से बात करती है. मतलब इंटरव्यू शुरू होने के पहले भी मेरे को जो जय एडिटर हैं, उन्होंने कहा कि मतलब किस तरह से, मतलब बहुत ज्यादा प्यारी है. तो एवरीबडी, नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री बट ऑल्सो, मतलब कोई भी मिलता है तो ऑरा से बहुत प्यार करता है. थैंक यू. आप अपनी पूरी टीम को भी हमारी और ऑरा की तरफ से बहुत प्यार, फीफा फूज को बहुत सारा प्यार. और इसके लिए मैं भी अपने क्लोजिंग कमेंट्स दे देता हूं फिर. जी, मैं आप पे आने वाली थी. इसमें है क्या, देखिए दो तीन चीजें. एक तो अभी हम ये बताना चाहेंगे कि समहाउ अभी तक हमें ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है कि whether there is a leap coming or not. बट लेकिन मुझे लगता है कि see, there is always a time, वैसे भी इन जर्नल भी, that one needs to take a leap in their lives. Aaj maine apna post bhi kiya hai yahi ki, I mean, leaps are important in our lives to progress, to go ahead. So ye chahe serial mein hota hai, chahe kisi ki life mein hota hai. Main apne students ko lagatar ye sikhata raha hu ki zindagi mein har kisi ko prepare karna chahiye ek quantum jump ke liye apni life mein. क्वांटम जंप शायद हम सारे लोग जानते हैं कि जो फोटॉन्स होते हैं बेसिकली वो जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो जो बीच का जो ट्रैवल टाइम है, दे सेव दैट ट्रैवल टाइम बिकॉज ऑफ जंपिंग. तो वो एक लाइफ में, क्योंकि क्या होता है कि यूजुअली ह्यूमन बीइंग एंड हैबिचुअल एनिमल, तो हम आउट ऑफ हैबिट बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, रादर 99% चीजें हमारी आउट ऑफ हैबिट होती हैं. तो हमें क्या करना होता है, तो जब हम उस साइकिल में होते हैं, वंस यू आर इनटू से इफ देयर इज अ बिगर बॉल एंड यू आर इनसाइड दैट बॉल,
तो द बॉल इज मूविंग, यू आर ऑल्सो मूविंग, सो यू डोंट रियलाइज दैट यू आर मूविंग. जैसा अर्थ में है, आई मीन अर्थ इज मूविंग, वी आर इन द अर्थ बट वी डोंट रियलाइज दैट वी आर मूविंग. तो इसमें क्या होता है कि आप एक कॉन्शियस लेवल पे होते हैं. वो कॉन्शियस लेवल होता है आपका लर्निंग के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं. आप एक सर्टेन लेवल पे होते हैं. अगर आपको एक उससे बियॉन्ड, एक उससे डिसकनेक्टेड और बड़े लेवल पे जाना होता है, तो यू नीड अ क्वांटम जंप, अ क्वांटम थर्स्ट टू रीच टू दैट दैट प्लेस. वी कॉल इट, हमारे स्पिरिचुअलिटी में वी कॉल इट अ कॉन्शियसनेस शिफ्ट. दैट यू हैव टू हैव अ क्वांटम जंप एंड थर्स्ट टू शिफ्ट द कॉन्शियसनेस कंप्लीटली. तो ये चीजें हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आनी चाहिए. और मेरा कहना है कि हर किसी को प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को कि वो क्वांटम जंप्स ले सके अपनी लाइफ में. बिकॉज द लीप और द क्वांटम जंप इज द एसेंस ऑफ लाइफ. तो आई होप कि अगर जस्ट इन केस अगर ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाए तो ऑरा इज ऑल सेट टू टेक दैट क्वांटम जंप इन द लाइफ. यस वी आर ऑल फॉर श्योर. वी आर हैप्पी decision hota hai, we are ready for this is good. This is what life is actually, that you keep going on, isn't it? Also aura ne kaha, aura ne kaha tha ki ek chapter band hota hai to dusra chapter khulta hai, right? Yes, sure. I'm sure ki aura aap jis chapter ki bhi part rahengi wo chapter will always flourish for sure, kyunki aapki mummy aapke papa ka aapko pura support hai and you have that passion in you which is very important. Yeah, तो अभी अभी ये औरा का पहला चैप्टर था. अभी ना इससे पहले औरा ने कोई ऐड भी नहीं करा है. मतलब दिस वन इज द फर्स्ट सीरियल. इससे पहले कभी एक्सपोजर नहीं था उसका किसी भी चीज का. तो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा. एक और चीज है कि बेसिकली देखिए जिंदगी में बहुत कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं कि वो अपनी बुक खुद लिख सके जिसके पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक दे आर जिसके पहले और लास्ट चैप्टर तक दे डिसाइड. तो वो मैं अक्सर कहता हूँ कि यू नो यू हैव टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी विद द परसीवरेंस, विद द वर्क, विद द एथिक्स एंड विद लॉयलिटी टुवर्ड्स योर वर्क और डेडिकेशन के साथ में. तो ऑरा हैज गॉटन दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट हैज बीन अलमाइटी सपोर्ट एंड ब्लेसिंग दैट शी कैन राइट the book that she can write the book and every chapter of this book has to be magnificent if she puts in the efforts what she has been doing and putting up. Aurora ne jo apni jagah banayi hai as a bondita, we are very happy. Hame as a parents humko kahin aisa nahi laga ki wo thoda sa bhi niche hai ya usko jo karna tha wo achieve nahi kara. मतलब जो वो कर चुकी है we are very happy. और इसके आगे जाती है तो definitely हमें और भी खुशी होगी. और अगर इधर कुछ नहीं है इंशाल्लाह ये बहुत आगे जाएगी क्योंकि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल भी है और ये बहुत मेहनती भी है. जब आपने जैसे मेरे को नहीं पता था, इतनी हिस्ट्री नहीं पता था कि मतलब किस तरह से शी वॉज द वन की चलो ठीक है आई एम रेडी टू वर्क फॉर 12 आवर्स. नॉट एवरी बडी, नॉट एवरी किड कैन डू. एक मिनट बोल दो तो नहीं कर पाते. कोई एक एक्टिविटी बोल दो तो. और आजकल के बच्चे ज्यादा लथार्जिक है, ज्यादा लेजीनेस ज्यादा देखा जा रहा है. तो उस जनरेशन, इस जनरेशन में हो कि अगर औरा इतना मेहनत करी है तो आगे तो इंशाल्लाह शी विल बी फ्लरिशिंग अ लॉट. और अभी एक इंसिडेंट मुझे याद आया. आई एम रियली सॉरी, आई एम टेकिंग अप अ लॉट ऑफ टाइम. एक बार हम लोग जब वो ब्रॉथल वाला जो वो चल रहा था, ट्रैक चल रहा था, उस समय इसकी फिंगर एक बार उसमें दरवाजे में आ गई एंड वो ब्लीडिंग होती रही काफी देर तक. काफी पेनफुल था. आपको पता है बेसिकली कि फिंगर का जो फिंगर नेल वाला जो टॉप पार्ट है आपको ब्लू दिख रही होगी फिंगर. ये आई मीन दिस इज द फिंगर एक्चुअली. उसकी लाइटिंग हो रखी थी तो एवरीबडी सेड की नहीं यार ऐसा करते हैं कि लेट हर रेस्ट बिकॉज शी इज इन पेन और इसको लाइटिंग चेंज कर देते हैं, उसके बाद दोबारा आ जाएंगे इस वाले सीन पे मे बी आफ्टर 3 or 4 hours. तो तब तक औरा कहती कि नहीं नहीं एक काम करते हैं, कोई बात नहीं पेन तो है ही, मुझे आंसू भी आ ही रहे हैं, अच्छा इसमें भी रोने का सीन है तो ऐसा करती हूँ मैं कर लेती हूँ क्योंकि सारी लाइटिंग डिस्टर्ब होगी, इतने लोग सब परेशान होंगे. एंड उसकी ये बात सुन के द डायरेक्टर केम टू अस एंड सेड कि सर कैसे ना करें इस बच्चे से प्यार. आई मीन सी द डेडिकेशन. आई मीन लोग कहते हैं कि मैं औरों को उतना प्यार नहीं करता हूँ जितना इस बच्चे को करता हूँ. द रीजन इज दिस एक्चुअली द डेडिकेशन ऑफ दिस चाइल्ड टूवर्ड्स हर वर्क एंड पैशन. कि वो मतलब हर चीज को सोचती है. वो ये सोचती है कि लाइटिंग की दिक्कत हो जाएगी, वो ये सोच रही है इस उम्र में
कि ये लाइटिंग फिर दोबारा से करनी पड़ेगी पूरे खाली एक सीन के लिए, एंड सी जस्ट गोज अवे goes ahead with the things. और इतने pain के बाद भी set पे इसको बहुत प्यार मिलता है, उसका भी reason ही है. इसको मतलब एक परसों एक scene चल रहा था, ये overlap कर रही थी प्रविश को, तो ये scene के बीच में धीरे से slightly आगे आ गई, तो मतलब director सब पीछे बैठे थे, कहते हैं so smart, मतलब वो बिना बोले ऐसे cover up करती है, नहीं तो वो scene cut होता, फिर किसी को बोलना पड़ता कि आप overlap, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी हैं, लगता है कि मतलब good very very smart and very intuitive actually, and the important part is ki jab wo kar rahi hoti hai to she is there 100% jo maximum log miss karte hain maximum log is cheez ko miss karte hain ki ab wo mere hisab se majority of people do this ki wo 100% nahi hote aur isi wajah se results nahi aate. To main kehta hu ki aap khana bhi khate hain to 100% khaye. If you're taking a shower, be in the shower, enjoy the shower 100%. Aur agar aap kaam karte hain to काम को 100% करें, वो दिखता है और वो जो फैंस का प्यार है और जो उसको लगातार मिल रहा है वो उसमें दिखता है. अब लेकिन एक और चीज आती है, फैंस के इतने प्यार के बाद, फैंस के इतने प्यार से के आने के बाद एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके कंधों में कि आप उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खड़े उतर सकें, एंड दैट एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पांसिबिलिटी नाउ रेस्ट अपॉन ऑरा'स यंग शोल्डर्स. तो अब आगे वही जर्नी है, देखना है कि क्या हम सारे लोग मिलके उन एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतर पाएंगे. तो दैट वुड बी द जर्नी ऑफ आवर्स इन कमिंग इयर्स. जी दीप्ति जी, आप भी कुछ कह रही थी. नहीं, मैं जस्ट यही कह रही थी कि ये जहाँ मतलब जैसे शूट कर रही होती है तो ये उस मोमेंट में वही होती है, मतलब जो सीन चल रहा है ये उसको इमेजिन कर लेती है कि मैं वही हूँ, मेरे साथ ही हो रहा है. तो ये चीजें हैं जो फैंस को बहुत जल्दी कनेक्ट करती हैं. उसमें ऐसा नहीं है कि इसको अगर भूख लग रही है तो ये जो खाने के बारे में सोचेगी, या उसके बाद अगर गोलगप्पे आने वाले हैं तो किसी ने आके बता दिया कि अब तो गोलगप्पे मिलेंगे, तो वो सीन में नहीं है और गोलगप्पे के बारे में सोचे नहीं, वो एज अ किड ये नहीं करती. तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इसकी, जो हमें सीखने को मिलती हैं. तो वो जहाँ है उसको वहीं कैप्चर करती है, उसी मोमेंट में रहती है, तो अच्छा लगता है. और कभी कभी तो ऐसा भी है कि जी कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इसकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंटिन्यूटी ना टूटे, तो इसकी वजह से सी डजंट इवन गो टू वॉशरूम फॉर आवर्स, लाइक एक आवर, क्योंकि उसे लगता है कि अब कंटिन्यूटी टूटेगी अगर वो बीच में ब्रेक होगा, एंड सी जस्ट होल्ड्स इट बैक. अमेजिंग फॉर अ किड दिस यंग. It's an amazing dedication actually. Suppose जैसे emotional scene है तो emotion टूट ना जाए, उसके लिए ये थोड़ा सा मतलब कि मैं later on half an hour चल जाऊंगी, क्योंकि ये अगर मेरी continuity टूटी मैं वैसे वापस आके नहीं रो पाऊंगी, तो इतना सोच रही है तो फिर hats off. तो हमें बहुत खुशी होती है. सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यू नो टैंट्रम्स भी होते हैं, बहुत तरह के टैंट्रम्स होते हैं. कोई भी एक छोटी सी चीज मिलती है तो आप बहाना कर लेते हो और आप बोलते हो कि चलो आज पैकअप, या मुझे नहीं करना बाद में करते हैं. तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, इससे समझ आती है कि मतलब एक्चुअली ऑरा शी गिव्स हर 110%, राइट ऑरा? Okay. Thank you so much, guys. It was wonderful talking to you. Thank you so much, Vivek ji, Dipti ji. आपने हमें time दिया, and of course, Aura. It was lovely talking to you guys. I hope कि आप इसी तरह flourish करें. Dipti ji, आपने इसको बहुत nourish किया है ना? आगे आपको और भी करना है, और भी मेहनत करना है. और Aura तो आप तो मेहनत कर ही रही हैं. Vivek ji, आपका साथ obviously बहुत important है. You have been very, very, very supportive with them. I hope इस वाली चीज के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, this is a wrong notion that a husband is supportive. No, we are in together into it actually. Of course. इस notion को हम basically हमको थोड़ा सा male friendly actually overall हमारी vocabulary भी इस तरह की है जो मैं मना करता हूँ कि नहीं. I mean, see, we all are. I mean, मुझसे कहीं ज़्यादा ये लोग मुझे support करते हैं overall सारी चीजों में. तो it's like you know, we all are together into it and let's be there for each other. Love you. Okay then, thank you so much guys. Bye Aura, take care. Bye Dipti ji. Bye Vivek ji. Bye bye. Wonderful. Bye-bye. Thank you so much. It was a pleasure talking to you. Same here, sir. Same here.